सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। सपा सांसद आजम खां की बड़ी मुश्किलें। आजम खां पर एक और केस दर्ज, जमीन मामले में केस हुआ दर्ज। जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी हड़पी जमीन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। रामपुर में कई दशकों से आजम खां की तूती बोलती है। आजम खां का दावा है कि उनके बिना मर्जी वहां पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन अब उनके ही गढ़ में आजम खां के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कई किसान ने उन पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, आजम पर पीड़ितों को झूठे केसों में फंसाने का भी गंभीर आरोप है। वहीं पीड़ित किसानों का आरोप है कि आजम ने अपने जौहर विश्वविद्यालय के लिए कई किसानों की सैकड़ों करोड़ की जमीन हड़प चुके हैं। खिलाफ रामपुर में अजीम नगर थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक तो पहले ही समाजवादी पार्टी लोकसभा में हार के बाद कोप भवन में कैद है, और अब आजम पर उनके पुराने साथी और बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल भी तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए कोड़ की तरह है। नरेश अग्रवाल ने कहा, आजम खान जितना बढ़ेंगे पार्टी खत्म होती जाएगी। ये समाजवादी पार्टी का अंतिम समय चल रहा है। जो पार्टी जनता के साथ नहीं होती है, लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब सपा के आखिरी दिन और आखिरी सांसें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो रही है। अब देखना होगा कि आजम खान की गिरफ्तारी कब तक होगी। रामपुर से के न्यूज की रिपोर्ट। और अब बात करें